सो हेलो गाइस, तू जिंदा है? आई नो यार, पिछले एक महीने से भी ज्यादा हो गया है, मैंने इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए। एंड यार, मैं रीजन की बात करूं तो यार, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इसका। और यार, ऐसे कल कल करते एक महीने से भी ज्यादा हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन यार, कल मैं अपना यूट्यूब चला रहा था, तभी मैंने देखा एक ऐसा क्रिकेट गेम, जिसे देखकर मैंने यार उस गेम को फटाफट से डाउनलोड कर लिया। और भाई यार, इस गेम के ग्राफिक्स काफी अच्छे थे। और यार, इस गेम के ग्राफिक्स और मैकेनिज्म ना रियल क्रिकेट 22 और WCC3 जैसे गेम को भी पीछे छोड़ते हैं। और यार, इस गेम का नाम है ड्रीम क्रिकेट 24। ये गेम खेल के मेरे मन में जरूर ये ख्याल आया कि यार, इस पर तो वीडियो बनाना चाहिए। सो इस गेम के क्या क्या फीचर्स है और आप भी इस गेम को कैसे प्ले कर सकते हो, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। साथ में यार, चैनल पर जो नहीं आया ना, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा इस चैनल पर। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो जब से इस गेम का ट्रेलर और लीक्स आए थे यार, तब से इस गेम की हाइप काफी ज्यादा थी। और अभी ये गेम बेटा स्टेज में चल रहा है, और अगर आपको भी ये गेम खेलना है तो यार, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इसके एंड में इसका डाउनलोड प्रोसेस बताया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। इस गेम को डेवलप किया स्पोर्टा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने। और भाई यार, मैंने इस गेम को खेला तो वाकई मुझे काफी मजा आया यार, सीरियसली गेम के ग्राफिक्स काफी अच्छे थे। इस गेम को आप 4K रेजोल्यूशन में प्ले कर सकते हो। और यार, सही बताऊं तो इस लेवल के ग्राफिक्स आपको एंड्रॉइड के किसी भी क्रिकेट गेम में नहीं देखने को मिलेंगे। और गेम में अल्ट्रा मोशन ग्राफिक यूज हुए हैं, जिससे गेम में प्लेयर्स का एनिमेशन भी काफी स्मूथ है, जिससे अगर आप शॉट खेलोगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आता है। हालांकि यार, कुछ शॉट आपको इतने स्मूथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि गेम अभी बेटा स्टेज में चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। इस समय जब गेम फाइनल रिलीज होगा तो इसके एनिमेशन और ग्राफिक्स को काफी इंप्रूव किया जाएगा, मतलब पूरा डोंट ब्रेड में वाले गेम जैसी फीलिंग आएगी आपको इस गेम को खेलकर। अब दोस्तों यार, इस गेम के में जो फीचर्स है उसकी बात करूँ तो सबसे बड़ा फीचर इस गेम का वो है गाइस, आपको इसमें सभी प्लेयर के रियल फेसेस देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि गप्टिल, विलियमसन, ट्रेड बोल्ट, मिचे स्टार्क, इन सब के आपको रियल फेसेस देखने को मिल जाएंगे। साथ में गेम के अंदर आपको प्लेयर के मॉडल्स भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बैटिंग में अगर मैं बात करूं तो यार, बैटिंग में आपको 5 से भी ज्यादा कैमरा एंगल देखने को मिल जाते हैं, जो आपके बैटिंग के एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बना देते हैं। और यार, बॉलिंग का फीचर मुझे काफी अच्छा लगा, जिसके अंदर आप बॉल को अपने हिसाब से फेंक सकते हो, यानी बॉल को कैसे पकड़ना है, कितना स्विंग करना है, कितना टर्न करना है, आप अपने हिसाब से पूरी गेंद को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये सारी चीजें मिलकर आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बना देते हैं। इसके अलावा गेम के अंदर स्टेडियम आपको काफी बड़े देखने को मिल जाते हैं, अगर आपको शॉट मारेंगे तो आपको फील होगा कि यार, स्टेडियम बड़े हैं इस गेम के। साथ में गेम के अंदर आपको सुपर स्मैश, चैंपियंस अरीना, लेजेंड लीग मिल जाती है, जिसमें आप क्विक मैचेस और चैलेंजेस को कम्प्लीट कर सकते हो। और जैसे जैसे आप चैलेंजेस कम्प्लीट करोगे, आगे जाके और भी चैलेंजेस हार्ड होते जाएंगे। और गेम के अंदर आपको PvP ऑनलाइन, यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर ऑनलाइन का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप ऑनलाइन प्लेयर के साथ भी गेम को प्ले कर पाओगे। और अभी तो गेम डेवलपमेंट चल रहा है, इसलिए टूर्नामेंट टेस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट आगे जाके जब ये गेम रिलीज होगा तो ये फीचर्स आपको इस गेम में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गेम के अंदर माई टीम का एक फीचर है, जिसमें अपनी जो ड्रीम टीम है वो बना सकते हो। साथ में वार्मअप का भी एक फीचर है, जिसमें आप अपना जो वार्म अप है वो कर सकते हो, आपको जो बेसिक जो बैटिंग और बॉलिंग कंट्रोल्स है वो आप इस गेम में प्ले कर पाओगे। तो गाइस, ये थे हमारी जो फीचर्स गेम के अंदर है वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब मैं आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस बता देता हूँ कि आप इस गेम को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में इस गेम का लिंक दे दिया है, आपको वहाँ से इस गेम को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, ZRCO प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है और ZRCO को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस, आपने जहाँ भी इस गेम को डाउनलोड किया वहाँ पर जाना है। और गाइस, आपको एक फाइल मिलेगी जो जिप फाइल में होगी, आपको क्या करना है गाइस, उस फाइल पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ये जो नाम आ रहा होगा उस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे ही ये गेम एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो गाइस, आपके सामने एक APK आ जाएगा, आपको क्या करना है, उस APK को इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, बस इतना ही प्रोसेस था। और आपको फिर क्या करना है, गेम को ओपन करके आप इस गेम के मजे ले सकते हो। तो गाइस यार, ये गेम जरूर ट्राई करना, काफी अच्छा गेम है। और जिन लोगों ने ये गेम ट्राई कर लिया है, मुझे कमेंट से जरूर बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर जो पहली बार है वो भी सब्सक्राइब कर दिया इस चैनल को, काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।